नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिलौर में पंचायत चुनाव की तैयारियों के दौरान यातायात बाधित करने के आरोप में हथियारबंद व्यक्ति गिरफ्तार। 32 बोर की पिस्टल बरामद, 4 जिंदा कारतूस किए बरामद। पुलिस कमिश्नर जौनधर ने पुलिस लाइन का किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों को सुरक्षा मानकों के पालन करने के लिए सख्त निर्देश। श्री दुर्गियाना मंदिर अमृतसर में शुरू हुआ विश्व प्रसिद्ध लंगूर मेला। देश विदेश से श्रद्धालु अपने बच्चों को लंगूर वेशभूषा में देकर मंदिर में हुए नतमस्तक। पंजाब में पंचायत चुनावों के मद्देनजर कड़ी कार्रवाई करते हुए जालंधर ग्रामीण पुलिस ने मंगलवार को फिलौर में सरकारी कार्यालय के पास हथियार रखने और यातायात बाधित करने के आरोप में व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 32 बोर की पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी की पहचान गांव लोहगढ़ निवासी गुरजीत सिंह के रूप में हुई है, जिसे घटना के कुछ घंटों बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास से एक रिवॉल्वर और कारतूस बरामद किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरकमलप्रीत सिंह खक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने अपनी स्कॉर्पियो को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी BDPO फिलौर कार्यालय के बाहर सड़क के बीच में खड़ा कर दिया था, जिससे यातायात बाधित हो गया। जब सैफाकत गांव के निवासी प्रीतम राम ने उनसे इस संबंध में बात की तो गुरजीत सिंह ने कथित तौर पर रिवॉल्वर निकाल दिया और उन्हें धमकी दी। घटना की सूचना मिलते ही DSP सरपंच सिंह बल के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। SSP खक ने कहा कि आरोपी पर विभिन्न अपराधों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं SSP खक ने जनता से सतर्क रहने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने की अपील की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस आयुक्त जालंधर स्वपन शर्मा IPS ने पुलिस लाइन जालंधर का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य पुलिसिंग को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना था। निरीक्षण के दौरान पुलिस लाइन और उनके आसपास के क्षेत्रों की सफाई का गहन निरीक्षण किया गया। स्वपन शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमित रूप से सफाई सुनिश्चित की जाए ताकि स्वच्छ वातावरण को बनाए रखा जा सके। उन्होंने ICCC कोर्ट और MT शाखा जैसी प्रमुख इकाइयों का भी दौरा किया। पुलिस आयुक्त ने अधिकारियों को नियमित रख रखाव और सुरक्षा मानकों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए। हथियारों और अन्य उपकरणों की सुरक्षा जांच करते हुए उन्होंने स्टाफ को नियमित रूप से इन्वेंटरी अपडेट करने के निर्देश भी दिए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। श्री दुर्गियाना तीर्थ अमृतसर में हर वर्ष शारदीय नवरात्रों में विश्व प्रसिद्ध लंगूर मेला लगता है। इस प्राचीन लंगूर मेले के दौरान लाखों की संख्या में लोग श्री बड़ा हनुमान मंदिर में नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं। मेले के दौरान श्रद्धालु अपने बच्चों को लंगूर का चोल पहनाकर श्री बड़ा हनुमान मंदिर में नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं। गौरतलब रहे कि अमृतसर के श्री बड़ा हनुमान मंदिर में लगने वाले इस मेले में बच्चे लंगूर की वेशभूषा में यहां पहुंचते हैं। तो वहीं मंदिर के पंडित मेघ श्याम ने बताया कि इस बार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक मेले की विधि के मुताबिक जो लोग अपने बच्चों को लंगूर बनाते हैं वे चाकू से फटा हुआ सामान नहीं खाते और बेड पर नहीं सोते। वहीं उन्होंने बताया कि मेले के मद्देनजर मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो वहीं प्रबंधकों के मुताबिक गत वर्ष से अधिक वर्ष इस वर्ष लोग यहां नतमस्तक होने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मंदिर का इतिहास कई वर्ष पुराना है और पुरातन रीति रिवाजों के मुताबिक इस मंदिर में हर वर्ष लंगूर मेला लगता है, जो कि शारदीय नवरात्रों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि पारंपरिक पोशाक धारण कर ही लंगूर प्रभु श्री राम, प्रभु श्री हनुमान जी के अपने नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं और उनका आशीर्वाद देते हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील ठोसरा की रिपोर्ट। देखिए, ये नवरात्रे कल से प्रारंभ हो रहे हैं और जो लंगूर बनते हैं ये बहुत ही यहाँ की प्राचीन प्रथा है।
ये हनुमान जी का मंदिर है, बैठी हुई यहाँ पर मूर्ति है और रामायण काल से ये मूर्ति है, बहुत ही प्राचीन है। जिनके संतान नहीं होती है वो हनुमान जी के मंदिर में आकर के यहाँ पर मत्था टेकते हैं और उनकी झोली में फल डाला जाता है। जब उनके संतान हो जाती है फिर उस बच्चे को वो लंगूर बनाते हैं, वो 10 दिन तक पूरे दोनों टाइम आकर के मत्था टिकाते हैं। कल पहला नवरात्रा है, कल सुबह से ही वो 3 बजे से ही आ जाते हैं और आकर के पहले पूजा कराते हैं। पूजा कराने के बाद में लाल चोला डाल करके वो मत्था टेकते हैं। सुबह 4 बजे हनुमान जी का मंदिर खुल जाता है और उसके बाद में वो मत्था टेकने के बाद फिर शाम को दोबारा आते हैं और दोबारा मत्था टेकते हैं और हनुमान जी का प्रसाद लेकर के जाते हैं। ऐसे ही भी रोजाना 10 दिन तक रोजाना सुबह शाम दोनों टाइम आकर के मत्था टेकते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के 10वें दिन वो अपना कप चोला उतार करके हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देते हैं और हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर के फिर वो अपने यहाँ चले जाते हैं। पूरी इंडिया क्या पूरे विश्व से लोग आते हैं यहाँ पर और हनुमान जी के मंदिर में आकर के मत्था टेकते हैं और जिन बच्चों ने लंगूर बने होते हैं वो आकर के यहीं पर 10 दिन तक रुकते हैं और 10 दिन के बाद में फिर वो जाते हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, रामायण काल का ये मंदिर है। जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था उस समय घोड़ा छोड़ा था तो लवकुश ने उस घोड़े को पकड़ा था। तो यहाँ पर जो वाल्मीकि जी का आश्रम है थोड़े ही पास में है और हनुमान जी यहाँ पर आए हैं तो राम जी की पूरी सेना के साथ लवकुश का युद्ध हुआ है, हनुमान जी ने उनके साथ युद्ध नहीं किया है। जब हनुमान जी ने देखा कि ये कौन है, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और इन्होंने पूरी सेना को परास्त कर दिया है, तो उन्होंने ध्यान लगा कर देखा है तो उन्होंने हनुमान जी ने लवकुश के अंदर और राम जी के दर्शन किए हैं। उन्होंने कहा ये तो साक्षात प्रभु का अवतार है, मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा। फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके बैठ गए हैं और उनसे माफी मांगी है तो लवकुश ने कहा कि तुम बहुत चालाक हो। तो लवकुश ने उनको हनुमान जी को यहीं पर वृक्ष से बांध दिया है और तभी से ये बैठी मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति है और कहीं पर भी ऐसी बैठी हुई नहीं है। तभी से ये मन्नत है कि जिनके संतान नहीं होती है तो हनुमान जी बच्चों पर प्रसन्न होते हैं और बच्चे को के रूप में फल दिया जाता है, उससे संतान होती है, फिर उनको लंगूर बनाया जाता है और तभी से ये प्रथा चली आई है। बहुत प्राचीन प्रथा है, रामायण काल से ये मंदिर जुड़ा हुआ है और तभी से ये हनुमान जी की यहाँ पर मन्नत है और सभी की मनोकामना वो पूरी करते हैं। अमृतसर का यही मंदिर यहाँ पर लंगूर मेला, हाँ जी पूरे विश्व में यही एक मंदिर है जिसमें हनुमान जी बनाया जाता है जो लंगूर बनते हैं और कहीं पे भी ऐसे लंगूर नहीं बनाए जाते हैं। हाँ बच्चे लंगूर बनते हैं, जो बड़े मंडलियां भी होती है वो क्या? नहीं नहीं, छोटे बच्चे तो लंगूर बनते हैं, फिर उसके बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो बाना पहनते हैं, बड़े हनुमान के रूप में बनते हैं, हनुमान जी के दास यानी सेवक जो होते हैं उनकी सेवा भाव में वो बनते हैं, वो फिर बनते हैं। नहीं नहीं, कमेटी की पूरी व्यवस्था होती है यहाँ पे, लंगर की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, यहाँ पे धर्मशाला है, फ्री में धर्मशाला है कमेटी की ओर से, वहाँ कोई खर्चा नहीं लगता है, लंगर की व्यवस्था है, रुकने की पूरी व्यवस्था है और जो छोटे बच्चे लंगूर बनते हैं उनको बाकायदा टेंट ऊपर लगाया, धूप से बचने के लिए उनको जल पिलाया जाता है, जल की व्यवस्था रहती है और भक्त साथ में रहते हैं, उनके में किसी परेशानी की ना हो इसलिए उनकी पूरी देख रेख रहती है, कमेटी के द्वारा सारी व्यवस्था चलाई जाती है, पूरा कमेटी का सहयोग है इसमें। सरपंची सुनो, आपके लिए नामांकन भरने के लिए आज आखिरी तारीख थी, इसके चलते जीरो में सुबह से ही SSP फिरोजपुर सोम्य मिश्र पुलिस बल के साथ नामांकन भरने वाली जगह पर खुद उपस्थित रही और उनके द्वारा किसी भी घटना को घटने से रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए थे, जिसके चलते छिटपुट घटनाओं को छोड़कर अमन शांति के साथ नामांकन पत्र भरे गए। अब आने वाले 7 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापस लिए जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रधान अमरेंद्र सिंह राजावरिंग सुबह से ही जीरा क्षेत्र के पूर्व विधायक वीर जीरा के निवास स्थान पर पहुंच गए थे और उनकी ओर से कुलबीर चीरा के निवास स्थान पर उपस्थित सरपंचों और पंचों के नामांकन पत्र भरने की लिए उम्मीदवारों को बसों में बैठाकर पुलिस द्वारा रवाना किया गया, जहां पर छुटपुट घटनाओं को छोड़कर सभी उम्मीदवारों की ओर से अपने नामांकन पत्र भरे गए। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। नवदुर्गा रामलीला समिति गली नंबर 3 संजय गांधी नगर जालंधर की ओर से रामलीला का भव्य आयोजन
12 अक्टूबर तक बेअंत सिंह पार्क नजदीक फोकल पॉइंट जलंधर में किया जा रहा है। इस रामलीला के तीसरे दिन श्री राम जन्म और माता सीता जन्म का मंचन किया गया, जिसके तीसरे दिन की शुरुआत दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच पूर्व विधायक शीतल उंगराल और मनीष गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर की। इस अवसर पर श्री देवी कला मंदिर के सेवादार रमन शर्मा, कमेटी के प्रधान डॉक्टर सीताराम, यशपाल ठाकुर, सुशील शुक्ला, महेंद्र राय, अशोक मिश्रा व शिव कुमार यादव की ओर से मुख्य अतिथियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और संदीप शर्मा की रिपोर्ट। इनको बनना ही है, पुनः मैं आप सभी का बाबूजी आपकी उम्र ऐसे बनी रहे, जवान रहे, ताकि आप सालों साल इस मंच पर आके हमें मान दर्शन करते रहे और हमारा मान बढ़ाते रहे। आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके सारे साथी के सहयोगी नियंत्रक मेहनत से इस रामलीला का आयोजन पिछले कई वर्षों से हो रहा है और मैं सारी क्लब का बहुत धन्यवाद हूँ। हर साल मुझे यहाँ बुलाने यहाँ आपके सामने पूर्व विधायक शीतल उंगराल जी, मेरे छोटे भाई, आप सबको आशीर्वाद देने आए हैं और प्रभु राम से आशीर्वाद लेने आए हैं और मैं इनका बहुत धन्यवादी हूँ कि इन्होंने बस मेरी एक ही बार मैंने बोला कि वहाँ के वहाँ जाना है तो कहते हैं जल्दी चलो मुझे भी जाना है। सब लोग अपने लाठे भाग छोड़ के 14 साल के वनवास में गए और वो मर्यादा पुरुषोत्तम उनकी मर्यादाओं का ये व्याख्यान यहाँ आपको रामलीला के जरिए आप लोगों को उगाते हैं, अपने बच्चों को, आपके बच्चों को इन संस्कारों के लिए रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी उनकी सारी कमेटी का योगदान है और मैं एक बार फिर कमेटी का अंगराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूँ और मैं चित्र अंगराज जी से कहूँगा जय श्री राम, जय माता की, जय दुर्गा। रामलीला कमेटी के जितने भी सदस्य मंच पर खड़े हैं बाबूजी की तरफ से शुभकामना देता हूँ, जो हर साल की तरह इस साल भी बहुत भव्य आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो परिचय है पिछले इससे बहुत पुराना है और आप सभी साथी अपना साथ सुलोक देते हो। रामलीला हम लोग भी देखते थे बचपन में, रामलीला हर साल क्यों होती है,
क्यों दिखाया जाता है कि नाटकों में रामलीला कैसी थी, प्रभु राम जी कितने सौ साल पहले धरती में आए तो कैसी रास्ता थी, क्या जरूरत थी, पर वो इसलिए आई कि वो बुराई थी पर अच्छाई की जीत करनी थी। 14 साल का विनाश चाहता बुराई प्रभु को जो अच्छाई की जीत थी, क्योंकि रावण का जो वध किया, जो रावण को बड़े ज्ञानी थे, उनके पास वेदों का ज्ञान, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था, पर प्रभु राम जी ने अहंकार सारे खत्म किया कि जो इस बुराई इस दुनिया में है वो कैसे खत्म हो सके। बुराई आज भी है, बुराई का मतलब अलग अलग है, बुराई आज ये है भाई का भाई दुश्मन बना है, आज अपनी माँ की सेवा नहीं कर रहा, बाप की सेवा नहीं कर रहा, अपने परिवार की सेवा नहीं कर रहा, ये भी बुराई है, ये भी। मैं बहुत चिंतित हूँ, इतने ज्ञानवान नरनाथ को इतनी चिंता आज तहे, राजन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शक्तिपीठ श्री देवी तलाब मंदिर की ओर से मासिक भजन संध्या का आयोजन मंदिर के पावन भवन में किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक प्रसिद्ध अशोक शर्मा और कुमार आशु शर्मा ने मां भगवती का गुणगान किया। इस दौरान दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तलाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल बीच ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर आशीर्वाद प्राप्त किए। भजन संध्या में श्री देवी तालाब मंदिर के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, विनोद गुप्ता, राकेश गुप्ता, नरेश सहगल, अशोक भंडारी, राकेश सहगल, अजय लाली, यश चडवा, लकी शर्मा, अर्जुन मल्होत्रा, सुदेश शर्मा, संदीप ठाकुर, अंकित थापर, नीरज मित्तल, रॉकी बहरी, शिवतंत्र शर्मा, अश्विनी हांडा, अमृत अरोड़ा, अश्विनी कपूर, विपन अग्रवाल, महेश सेठी सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। अंत में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हरचक के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और संदीप शर्मा की रिपोर्ट। सतगुरु दीन दयाल को मारी जा बलिहारी
चुप रे माँ मुँह बोल दे कोई
महारानी का पहला नवरात्रा मैं सारियां नूं शक्तिपीठ देवी दला मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों बहुत बहुत बधाई देना और महारानी अगे अरदास करदा महारानी सारियां दी अपने भगतां दी सब मनोकामना पूर्ण करे उन्हां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखे आई हुई हैं सारिया संगत ने जिन्होंने बहुत ही माँ का अशोक शर्मा जी एंड पार्टी वालों इन्हें श्रद्धा नाल भजन महारानी दे तुहानूं सुनाया मैं उन्हां दा भी बहुत धन्नवादी हाँ कि हर बार आके महाराज जी दरबार च हमेशा हाजिरी दिंदे और मैं मंदिर दे सीनियर खजानची जी नूं साडे बहुत प्रिय छोटे भरा उन्हां नूं कहूंगा कि अशोक शर्मा जी नूं अज दे शुभ दिन ते सम्मानित करन ते नरेश सैगल जी सैगल साहब दा तुहानूं पता इस मंदिर दे नाल उन्हां दा जीवन शुरू होया ते इत्थे ही उन्हां दा जीवन जिहड़ा वो महारानी दे चरणां दे विच ही सेवा करदे आ वो गए ने उन्हां दा अज उन्हां दे पहले नराते ते मैं उन्हां दे सपुत्र नरेश सैगल जी नूं कहूंगा कि सारिआं नूं सम्मानित करन जय माता बहु जी ये तो है ही है भी श्री एपी सैगल जी ने भी बहुत सेवा कीती है महाराणी जिथे भी है देखो उन्होंने हर वेले दुनिया याद करती है ते तुसी भी जिहड़ा बीड़ा संभालिया होया तुसी भी उन्हें रेगुलर उदा ही कर रहे हो ते महाराणी तुहाडे ते भी पार कृपा करे और इदा ही चढ़दियां गल्लां रखे ते इस सम्मान ते बहुत ही तुसी करना असी ते तुहाडे छोटे भरा वा तुहाडे हाथी के पाव में सबका पाव सैगल जी और भाई दा कर नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी सोडर रोड जालंधर की ओर से रामलीला का आयोजन रामलीला पार्क सोडर रोड में किया गया जिसके तीसरे दिन श्री राम जन्म और माता सीता जन्म का सुंदर मंचन किया गया। इस रामलीला की तीसरी नाइट का शुभारंभ दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज पूर्व विधायक शीतल अंगुराल और मनीष गुप्ता ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। इस अवसर पर श्री देवी सरदार मंदिर के सेवादार रमन शर्मा कमेटी के प्रधान सुखविंदर कालिया पूर्व पार्षद ओम प्रकाश पूर्व पार्षद दीपक शारदा विकी शर्मा सुनील विज बिट्टू व रवि कुमार की ओर से मुख्य अतिथि को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस मौके पर अन्य भक्तजन भी उपस्थित थे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और संदीप शर्मा की रिपोर्ट।
अज बहुत ही शुभ दिहाड़ा साढ़े बेच साढ़े बड़े अंकल जिन्हों का साढ़े ते बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इस स्टेज पर जदों की रामलीला शुरू हुई है फादर साहब सी मेरे उन्होंने आशीर्वाद के नाल दोबारा साढ़े अंकल साढ़े नाल फादर साहब दे सीगे ते इन्हों का बहुत बड़ा आशीरवाद है जी। नवयुग मंडल रामलीला कमेटी इत्थे इन्हां दे आन ते हमेशा हर साल साढ़े चेयरमैन साहब भी ने जी साड़ी कमेटी दे ये सरप्रस्ती है इन्हां दी इन्हां दे ही सदका असी ये रामलीला जिहड़ी है पिछले किसी कारणा करके दो साल नहीं हो पाई साढ़े कुछ कलाकार विच नहीं रह पाए लेकिन इस बार प्रभु ने सानू हिम्मत बख्शी ते असी रामलीला दोबारा तो शुरू कर जा रहे हैं कर रहे हैं ते प्रभु श्री राम इस तरीके दैनिक सवेरा ते साडे अंकल होना ते इदां ही अपना मेहर भरिया हाथ रखे चढ़दी कला च हमेशा रहन। जय श्री राम। शीतल जी नूं मैं खास करूँगा कि कमेटी नूं आशीर्वाद दिओ ते आईआं आईआं संगतां नूं दर्शकां नूं और सारी कमेटी नूं आशीर्वाद दें और प्रभु राम अगे अरदास करदा कि इन्हां नूं चढ़दी कला च रखी इन्हां दे सिर ते मेहर भरे हाथ रखी प्रभु राम जी इन्हां दी कृपा करनगे जल्दी बहुत ही जल्दी कुछ नवी खुशखबरी आएगी फिर इन्हां नूं इस स्टेज के विच मानत करांगे जी। इस सारे शीतल अमराज जी जिहड़े कर्मठ एक सिपाही आ पार्टी भारतीय जनता पार्टी दे अज इन्हां दा बहुत मान सम्मान है और आने वाले समय च सारे अरदास करो मैं भी करदा और शुभ दिहाड़ा पहला नराता कि आपां इन्हां नूं आशीर्वाद देईए सारे जय श्री राम। सारियां नूं जय श्री राम। जय माता दी। बहुत ही पवित्र स्टेज नवयुग मंडल रामलीला कमेटी के सारे ही अहुदेदार साहबान जिन्होंने छोटे जे एक स्नेह दे उत्ते मैं अते मेरे बहुत सत्कारयोग इस कमेटी के चेयरमैन मेरे पिता समान अते डैनिस वेरा दे संपादक बहु शीतलवीर जी जिन्हां दे उत्ते महामाई का बहुत वड्डा आशीर्वाद है क्योंकि देवी तलाम प्रबंधक कमेटी के भी ये मुख सेवादार है उन्हां दे नाल मनीष गुप्ता जी बाबा जी संदीप जी सारे साथी सामने प्रभु राम जी दे भगत बैठे ये रामलीला करन दा जो मकसद है हर साल इदां दे स्टेजां लगा के मंच लगा के तां दस्या जांदा कि जिहड़े सामने बैठे मेरे साडे छोटे वीर भैणां बच्चे कि प्रभु राम ने किन्ने सौ साल पहले इस धरती ते जन्म लै के जो प्रभु राम जी ने सानू दस्से हो रस्ते जिहड़े उहनां दे मार्गदर्शन ते चल रहे हैं कि 14 साल जिहड़ा उहनां ने रात कट के क्योंकि हर साल रावण का जो वध किया जाता है उसका मकसद है कि जिहड़ी बुराई दे उत्ते जिहड़ी अच्छाई की जित होंदी है बुराई की है बुराई अज इस तरीके की है घर के विच भरा भरा तो दुखी है भरा भरा नूं मारन नूं फिर रहा है परिवार अपनी माँ की सेवा नहीं कर रहा प्यो की सेवा नहीं कर रहा अज कई इदां दे हालात बने है नशा बहुत विक रहा है नशे के करके बच्चे अज कंट्रोल च नहीं आ रहे इदां दी जिहड़ी बुराई सी उसनों दूर करन दे लई प्रभु राम जी ने जो क्योंकि रावण बहुत वड्डे ज्ञानी सी उन्हां कोल बहुत वड्डे वेद सी उन्हां दा जिहड़ा हंकार सी वह कोई खत्म नहीं कर सकता सी प्रभु राम जी ने इस करके हंकार खत्म किया सी कि बहुत कुछ इस धरती के उत्ते है बड़े बड़े वड्डे बदलाव आए हैं अज जिदा हिंदू की जिहड़ी सेवा अज बाऊ जी कर रहे हैं ये बाऊ जी का आशीर्वाद है इन्हां दे सीवा सदके असीं भी सारे अज इन्हों को सीख के समाज की सेवा कर रहे हैं ये रामलीला नाटकी रूप से तुम्हें दिखाई जा रही है कि तू सीख के जाओ जिदा ये कमेटी नवयुग सेवा कर रही है दो साल किस कारण करके नहीं कर सके 70 साल तू इस स्टेज तू मंच लगा रहे हैं ये कुछ दसन का मकसद है कि अपने माँ बाप की सेवा करो अपने भरा की वड्डियां का आगे कारिक बनो। कृषि नवाचार में अग्रणी म्यूजिक वीडियो
सीड्स लिमिटेड को रबी 2024 सीजन से पहले अपनी नवीनतम शोध संचालित गेहूं किस्म NWS 2214 कनक के लॉन्च की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। इस दौरान केक काटकर NWS 2214 कनक को लॉन्च किया गया और उत्पादकों द्वारा अपनी खुशी का इजहार किया गया। वर्षों के व्यापक शोध के बाद NWS 2214 कनक पैदावार को अधिकतम कर अनाज की गुणवत्ता में सुधार कर और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान कर गेहूं की खेती में क्रांति लाने के लिए तैयार है। NWS 2214 गेहूं किसानों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है जिसमें प्रति हेक्टेयर 60-75 क्विंटल की प्रभावशाली उपज क्षमता है। उच्च पैदावार के अलावा ये किस्म गर्मी और सूखे जैसे पर्यावरणीय तनावों के प्रति लचीली है। इसकी मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता फसल के नुकसान को कम करती है और खेतों की लागत को कम करती है जिसे ये गेहूं किसानों के लिए बेहद किफायती विकल्प बन जाता है। किसान प्रति हेक्टेयर 60-75 क्विंटल की उम्मीद कर सकते हैं जिससे बेहतर रिटर्न सुनिश्चित होता है। किस्म के अपेक्षाकृत नॉन लेजिंग प्लांट प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान फसल के नुकसान के जोखिम को कम करते हैं। NWS 2214 कनक बेहतर अनाज की गुणवत्ता प्रदान करता है जो प्रीमियम चपाती बनाने वाले गेहूं की बाजार मांग को पूरा करता है। ये किस्म चरम जलवायु परिस्थितियों में लचीला है। ये जंग और फंगल रोगों के प्रति सहनशील है जिससे खेती का खर्च कम होता है और स्वस्थ फसलें सुनिश्चित होती हैं। NWS 2214 कनक 130-135 दिनों में पक जाती है। NWS 2214 कनक को पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड और पश्चिमी बंगाल राज्यों में खेती के लिए अनुशंसित किया जाता है। इसने सिंचित और सीमित सिंचाई दोनों स्थितियों के साथ साथ देर से बोई जाने वाली स्थितियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है जिससे ये खेती के विभिन्न वातावरणों के लिए अनुकूल बन गया है। NWS 2214 कनक के लॉन्च के साथ न्यूजी विजो सीड्स लिमिटेड ने उत्पादकता और फसल लचीलापन बढ़ाने वाली नवीन बीज प्रौद्योगिकियों को पेश कर किसानों की आजीविका में सुधार करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। हम किसानों को अपने आगामी रबी सीजन के लिए NWS 2214 कनक को अपनाने और इस अत्याधुनिक गेहूं किस्म के लाभों का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। श्री राधा गोविंद धाम परिवार की ओर से 23वां शरद पूर्णिमा उत्सव खोल है। अक्टूबर को मोता सिंह पार्क जालंधर में रात्रि 9 से 12 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। इसी संबंध में श्री राधा गोविंद धाम परिवार के सदस्य एवं प्रसिद्ध भजन गायक अशोक शर्मा, कुमार आशु शर्मा दैनिक सवेरा के मुख्य कार्यालय सवेरा भवन जालंधर में पहुंचे जहाँ पर उन्होंने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज को इस उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किया। इस मौके पर अशोक शर्मा, कुमार आशु शर्मा ने बताया कि इस शरद पूर्णिमा उत्सव में राधा गोविंद जी की जोड़ियां और असंख्य भक्त भाग लेकर श्री राधा गोविंद जी के साथ रासलीला का आनंद लेंगे। इसलिए उन्होंने सभी प्रभु भक्तों से इस उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि जिस खास उत्सव का इंतज़ार ठाकुर जी के सब भक्तों को रहता है वो उत्सव बहुत ही नज़दीक है। वो बहुत ही जल्द आपके शहर जालंधर में हर वर्ष की भांति भव्य रूप से होने जा रहा है। इस बार 23वां शरद पूर्णिमा उत्सव जो कि चंद्रमा की चांदनी में हमारे युगल सरकार की अध्यक्षता में हर वर्ष होता आ रहा है, इस बार वो शरद पूर्णिमा उत्सव 16 अक्टूबर को मोता सिंह नगर के पार्क में रात को ठीक 9 से 12 बजे तक आयोजित हो रहा है जिसमें असंख्य राधा गोविंद जी की जोड़ियां और असंख्य भक्त प्रभु के वहां पर पहुंचकर श्री राधा गोविंद जी के साथ रासलीला का आनंद लेंगे। आप सब भक्तों से भी अनुरोध है कि समय पर पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण करें क्योंकि समय पर पहुंचेंगे तो स्थान प्रभु के निकट मिल जाएगा। वहां पे बहुत दूर दूर से भक्तजन आ रहे हैं और आज हम विशेष तौर पर
हमारे दैनिक सवेरा समूह के हमारे आदरणीय श्री शीतल विज जी, प्रधान श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी, उनको एक विधिवत निमंत्रण दिया गया है श्री राधा गोविंद धाम परिवार की तरफ से। और बहुत हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव मनाया जाता है। आप सब लोगों से एक बार फिर अनुरोध है कि समय पर पहुंचकर पुण्य के भागी बने और इस महारास का हिस्सा बने। श्री राधे। उत्सव का एक विशेष महत्व रहता है कि इसमें ड्रेस कोड होता है। सभी माताएं, बहनें, भाई बंधु लाइट कलर के कपड़े पहन के आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लाइट नहीं जलेगी, सिर्फ चंद्रमा की चांदनी होगी और महारास का आनंद होगा। गोविंद राधा संघ 16108 सखियों के संग महारास का आनंद बरसाएंगे। और इसी उत्सव के उपरांत चंद्र किरण युक्त खीर का प्रसाद, जिसका बहुत विशेष महत्व होता है, जिसके सेवन से अस्थमा की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाती है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा की चांदनी में ऐसी एक मेडिकेटेड किरणों का समूह उस खीर के प्रसाद में आता है। गोविंद के प्यारे इसी का इंतज़ार करते हैं और इसी विशेष उत्सव में सम्मिलित होने के लिए हम आप सबको राधा गोविंद धाम परिवार की तरफ से निमंत्रण दे रहे हैं। मोता सिंह नगर पार्क, कोठी नंबर 340 के आगे बहुत बड़ा पार्क है, हर वर्ष की भांति वहीं जो उत्सव होगा, आप सबको निमंत्रण है। राधे राधे जी, श्राधे श्राधे। नवरात्रों के अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेज वन में 8 दिवसीय नवरात्रि महोत्सव भजन संध्या की शुरुआत हुई। इस भजन संध्या के पहले दिन की शुरुआत गायक अशोक सितारा एंड पार्टी छरण दरबारों ने गणेश वंदना को गाकर की, जिसके बाद अशोक सितारा एंड पार्टी ने माँ भगवती के मधुर भजनों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के प्रधान राजेश अग्रवाल ने बताया कि नवरात्र महोत्सव के उपलक्ष्य में चल रही भजन संध्याओं की श्रृंखला में प्रतिदिन प्रसिद्ध भजन गायक माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएंगे। उन्होंने बताया कि इस भजन संध्या में आने वाले भक्तों के लिए रोजाना प्रसाद के रूप में व्रत वाला लंगर भी वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर अनुराग अग्रवाल, महेंद्र प्रताप, विजय गुप्ता, अनूप त्रेहन, पवन जोशी, अंशुमन पुरी, अश्विनी चौहान, नरगिस पत्रा, सोनू कुलवंत राय पुरी और सुखदीप कुमार ने गायक अशोक सितारा इन पार्टी को माफी चुनरी देकर सम्मान जीत लिया। जालंधर से हरशक्ति जी चंद्रा में सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। Thank you.
नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी की तरफ से रामलीला व दशहरा उत्सव का आयोजन 11 अक्टूबर तक रामलीला पार्क छोटू टोल जालंधर में किया जा रहा है। इसके साथ ही 12 अक्टूबर को विशाल दशहरा पर्व। नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी की तरफ से रामलीला व दशहरा उत्सव का आयोजन 11 अक्टूबर तक रामलीला पार्क छोटू टोल जालंधर में किया जा रहा है। इसी के साथ ही 12 अक्टूबर को विशाल दशहरा पर्व रामलीला पार्क सोडर रोड में मनाया जाएगा। इसी संबंध में कमेटी सदस्यों की ओर से कुलदीप सिंह पायलट, तरन सिंह पायलट, उद्योगपति दीपक चोपड़ा, गुरनाम चोपड़ा, उद्योगपति दिपिन पुरी, उद्योगपति अशोक मल्होत्रा, गगन मल्होत्रा, जेबी सिंह चौधरी, पीयूष सेठ, अजय वर्मा एवं उद्योगपति राजन गुप्ता को प्रधान सुखविंदर कालिया, पूर्व पार्षद ओम प्रकाश, पूर्व पार्षद दीपक शारदा, विकी शर्मा, सुनील बिजुपिटू व रवि कुमार की ओर से निमंत्रण पत्र भेंट किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और संदीप शर्मा की रिपोर्ट। अविनाश शर्मा का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार जालंधर के किशनपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दौरान स्वर्गीय अविनाश शर्मा को मुखाग्नि उनके बेटे नितिन शर्मा ने दी। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल बीज, उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक अरविंद खन्ना, रितिन खन्ना, पूर्व विधायक रजिंदर देवी, मनीष गुप्ता, जोगिंदर पाल गोगना, रजिंदर कंबोज, सुरेश अरोड़ा, गोपाल फुल्ला, जोली बेदी, जॉय मलिक, चौधरी राम कुमार, सनी धीर, श्रीकांत चर्चे, सरसिंह कपूर, अनिल कुमार, रितिन खन्ना, श्याम सहगल, नितिन शर्मा, कौशल शर्मा, राजन डिंगरा, विकी शर्मा, शैलेंद्र कालिया, कुमार राज, दीपक शारदा, रमन शर्मा, अनूप प्रभाकर, गौरव गुप्ता, मनोज कुमार, अकुश भसीन, हिमांशु गुलशन दुआ, जितेंद्र शर्मा, अशोक कुमार, गुलशन शर्मा, नरेश सहगल, संदीप नारंग, सुरेश सहगल, अजय लाली, लकी शर्मा, अमरजीत सिंह अमरी, सुखविंदर कालिया, योगेश धीर, गगन मल्होत्रा, अभिषेक शर्मा, दीपक वाली, राजीव दुग्गल, एडवोकेट मनमोहन शर्मा, राजन गुप्ता, अशोक शर्मा, आशीष शर्मा, विजय भंडारी, राजन अरोड़ा और पारिवारिक सदस्यों में सुभाष चंद्र, अशोक शर्मा, प्रवीण शर्मा, कुशल शर्मा, अनिल शर्मा, अर्चना शर्मा सहित राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जगत से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय अविनाश शर्मा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। Thank you.
रमेश चंद्र महाजन अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई है। उनकी आत्मिक शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गीता मंदिर मर्दों धरंधर में किया गया। इस दौरान पंडितों द्वारा श्री दुर्ग पुराण जी के पाठ का भोग चढ़कर स्वर्गीय रमेश चंद्र महाजन की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की गई। मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता दिनेश झल्द व पारिवारिक सदस्यों में वीजा महाजन, डॉक्टर विनीत महाजन, डॉक्टर आशिमा महाजन, सुमित महाजन, शिवानी महाजन सहित शहर के व्यापारिक, राजनीतिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय रमेश चंद्र महाजन को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। तेरे नाल किसे नहीं चरणा तो पाप ना कर बंदिया, तो पाप ना कर बंदिया, तो पाप ना कर बंदिया, तो पाप ना कर और आप अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फेरें। फिलौर में पंचायत चुनाव की तैयारियों के दौरान यातायात बाधित करने के आरोप में हथियारबंद व्यक्ति गिरफ्तार, 32 बोर की पिस्टल बरामद, 4 जिंदा कारतूस किए बरामद। पुलिस कमिश्नर जोरनाथर ने पुलिस लाइन का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को सुरक्षा मानकों के पालन करने के लिए सख्त निर्देश। श्री दुर्गियाना मंदिर अमृतसर में शुरू हुआ विश्व प्रसिद्ध लंगूर मेला, देश विदेश से श्रद्धालु अपने बच्चों को लंगूर वेशभूषा में लेकर मंदिर में हुए नतमस्तक। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं। दोबारा